दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मयंक अपना गांव छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जॉब करने आया था, जहां उसकी मुलाकात संचिता नाम की लड़की से होती है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। धीरे धीरे संचिता और मयंक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद मयंक की माँ रानी देवी उसको कॉल करती है और बोलती है, हाँ मयंक, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। यहाँ कब आएगा? माँ आ जाऊँगा ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ इस टाइम। बेटा, तुझे तो ना अपनी माँ की याद आती है ना ही अपनी पत्नी की। वो बेचारी दिन रात बस यही सोचती रहती है कि तू कब आएगा, मगर तुझे तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इतना सारा काम है मेरे पास कि आपसे या किसी से बात करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे, मगर कैसे भी करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, एहसान कर रहा है, अब यही दिन देखना तो बाकी था। माँ फोन रखो आप। इतना बोलकर मयंक कॉल कट करता है। तभी वहाँ उसकी पहली पत्नी संचिता आती है, जो कि काफी मॉडर्न थी। शादीशुदा होने के बाद भी वो एक अनमैरिड लड़की की तरह ही लगती थी, जिसके बाद वो मयंक से बोलती है, ओ क्या यार, गांव में आखिर रखा ही क्या है? यार मैं गांव इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी वो गवार बीवी है, उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। रिलैक्स बेबी, चलो हम दोनों घूमने चलते हैं। यार मेरा मूड नहीं है। अपनी संचू के लिए भी नहीं जाओगे? मैं अपनी संचू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी ना। चलो अब कहाँ चलना है? दोनों पति पत्नी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ मयंक के गांव का एक आदमी भी किसी काम से शहर आया था, जिसके बाद वो मयंक को संचिता के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमते देख लेता है और तुरंत उसकी माँ को कॉल करके बोलता है, हाय रानी बहन, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बस दिल्ली शहर आए थे। क्या दिल्ली आए हो आप? अरे मेरा बेटा मयंक भी वही है, क्या उसकी कोई खोज खबर है? हाँ बहन, यही सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। क्या हुआ, बोलो ना। अरे मयंक किसी लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रहा है। क्या भैया, एक बार ठीक से देखो, क्या पता वो मयंक ना हो। अरे नहीं बहन, तुम एक काम करो, नेट चालू करो, हम तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं और तुम खुद देखो। वो आदमी रानी देवी को वीडियो कॉल करके मयंक और संचिता को दिखाता है। ये देखकर रानी देवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अगले दिन वो अपने बेटे को कॉल करके बोलती है, मयंक आज जो बात करनी है साफ साफ करूंगी, बाकी तेरी मर्जी होगी तुझे क्या करना है। क्या हुआ माँ? अगर तू गांव नहीं आता और गांव आने के बाद कम से कम 5 साल तक नहीं रहता तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बहू के नाम कर दूंगी। क्या बोल रही हो माँ, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग अब ठिकाने पर आया है, और हाँ मेरे पास भी टाइम नहीं है तुझसे बात करने का, सोच समझ कर जवाब दियो वरना दिल्ली में ही रहियो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काफी सोचने के बाद मयंक संचिता के साथ गांव जाने का फैसला करता है। दोनों पति पत्नी अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने घर जाते हैं। मयंक की पहली पत्नी अंजलि मयंक के साथ संचिता को देखकर चौंक जाती है और मयंक से रानी बोलती है, मयंक क्या है ये, कौन है ये लड़की? माँ ये भी मेरी पत्नी है। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे तू शादीशुदा है, ये कैसे भूल गया? ओहो सासू माँ, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? वो मयंक की सिर्फ नाम की पत्नी है, उसकी असली पत्नी तो मैं हूँ। निकल जा अपने पति को लेकर। माँ जी नहीं, ये इतने टाइम बाद आए हैं और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाएं। और माँ जी, संचिता के आने से फर्क क्या पड़ जाएगा मेरे रिश्ते पर? ये पहले भी मुझे पसंद नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। बहू, इतना अच्छा बनना भी बेकार होता है। माँ जी आपको मेरी कसम, आप इन्हें घर से मत निकालिए। किस मिट्टी की बनी है तू? तेरा पति तेरे लिए सौतन लेकर आया है, तू ये कैसे सह सकती है? एक औरत सब कुछ बांट सकती है बेटा, पर अपना सुहाग नहीं। माँ जी आप ये भी तो सोचिए, भले ही मैं उनके लिए उनकी पत्नी ना हूँ, लेकिन वो तो मेरे पति हैं। अंजलि के कहने पर रानी मान जाती है, जिसके बाद मयंक और संचिता को घर में आने की इजाजत मिल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अंजलि हमेशा पूरे 16 श्रृंगार किया करती। ये देखकर एक दिन संचिता बोलती है, अंजलि क्या तुम ये गवारों की तरह रहती हो? संचिता, जिस दिन एक औरत के 16 श्रृंगार के मतलब जान जाओगी ना,
तब से तुम भी ये श्रृंगार करना चाहोगी, अगर तुम सच में अपने पति से प्यार करती होगी तो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, समझ गई तुम? प्यार करती हो तो तुम जरूर इसके मतलब को समझ पाओगी। अरे तुम ही रहो ऐसे गवारों की तरह। इतना बोलकर संचिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अंजलि देखती है कि उसका पति संचिता के साथ कितना खुश रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंजलि को इस बात का दुख भी था। ऐसे ही एक दिन अंजलि शीशे के सामने अपनी मांग भर रही थी, तभी वहाँ संचिता आती है और पीछे से अंजलि के हाथ पर हाथ लगाकर उसको आगे की तरफ खींचती है और इसी में अंजलि के हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अंजलि गुस्से में संचिता से बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या सिंदूर का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? अरे पागल हो गया, ये अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता। तुम कब समझोगी, एक औरत का रूप 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। वो कैसे? एक सुहागन औरत का जो श्रृंगार होता है उसका खुद में ही अपना अर्थ होता है। जैसे सिंदूर, सिंदूर हमेशा अपनी मांग में अपनी पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। अच्छा जी, और इस मंगलसूत्र का क्या मतलब होता है? मंगलसूत्र का मतलब है सुखी दाम्पत्य। चाहे कैसा भी समय हो, एक पत्नी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, और ये बिंदी, ये क्यों लगाते हैं? इसका क्या मतलब होता है? जैसे भगवान सूर्य अपनी ऊर्जा और रोशनी से पूरे संसार में रोशनी लाते हैं, ठीक वैसे ही एक पत्नी को अपने ससुराल में अपनी ऊर्जा और अपने व्यवहार से उनके जीवन में रोशनी लाने का अर्थ है बिंदी। वाह अंजलि, सच में सही मायने में तो तुम ही मयंक की पत्नी हो। नहीं, मयंक जी आपसे प्यार करते हैं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप उनके जीवन में खुशियाँ लाएं ताकि वो खुश रहें। अब से मैं भी हर दिन करूँगी 16 श्रृंगार। ऐसे ही संचिता भी 16 श्रृंगार करके आती है। मयंक और रानी उसको देखकर चौंक जाते हैं। तभी संचिता बोलती है, मयंक तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी पहली पत्नी गवार है, मगर सही मायने में तो गवार मैं हूँ। आज अंजलि ने मुझे सुहागन होने का पाठ पढ़ा दिया और तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें दो दो इतना प्यार करने वाली पत्नियाँ मिली है। तभी वहाँ अंजलि आती है और बोलती है, उसी तरह से अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं हमेशा के लिए मयंक जी और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में मैंने महसूस किया है कि मयंक जी संचिता से बहुत प्यार करते हैं। मगर तुम मत जाओ ना अंजलि। अच्छा लगा सुनकर, मगर अब बहुत देर हो चुकी है मयंक जी, मुझे जाना ही होगा। और हाँ माँ जी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे अपनी कसम देकर रोकेंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि अपनी सौतन को 16 श्रृंगार का अर्थ समझाकर खुशी खुशी वो घर छोड़कर चली जाती है। शालू एक बहुत ही मासूम और संस्कारी लड़की थी, जिसे खाना बनाने का बहुत शौक था और खास तौर पर रोटी बनाने का, जिसके चलते वो हमेशा ही पर्स में बेलन रखा करती थी। परिवार में उसकी माँ सुधा और पिता सुखबीर और भाई विकास रहते थे। शालू और विकास में बहुत ही नोकझोंक होती थी, इस वजह से वो अक्सर अपने भाई को बेलन से पीट दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन शालू मार्केट जा रही होती है कि रास्ते में दो लड़के शालू को छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे जाने मन कहाँ जा रही हो इतनी दोपहर में? अरे हमें बुला लेती, मदद के लिए हम आ जाते। क्या है, क्यों पीछे पड़े हो मेरे, निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे आपको अकेला छोड़ दें? इतने में दूसरा लड़का शालू का दुपट्टा खींचने लगता है कि तभी वो अपने पर्स से बेलन निकालती है और दोनों लड़कों की बेलन से खूब पिटाई करती है। दोनों छिछोरे लड़के वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी शालू खुद से कहती है, आया ना बेटा स्वाद, आया बड़ा, शालू से पंगा लेने चला था, चख लिया ना मेरे बेलन का स्वाद। ऐसे ही शालू अपना सामान लेकर वापस घर आ जाती है और वक्त बीतता जाता है। शालू के लिए अमन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ महीनों बाद दोनों की शादी भी करवा देते हैं। शादी के बाद सुधा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी शालू की सास ममता बोलती है, अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने? हाँ शालू,
बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। और चाहिए माँ जी आपको पूड़ियाँ? अरे बहू, पेट भर गया मेरा लेकिन मन नहीं भरा। ये ले तेरा शगुन। और हाँ, तूने मुझे बहुत खुश किया आज। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, ये तो आपकी है ना। अरे चुप कर पागल, ये तेरा शगुन है। थैंक यू माँ जी। ऐसे ही एक शाम अमन ऑफिस से घर आता है और शालू को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है और पीछे से उसके बालों में गजरा लगा देता है, जिसे देखकर शालू बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ अमन, वैसे आप मुझे कब तक प्यार करोगे? मेरी जान, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक करूँगा तुझको प्यार मेरी शालू। तो फिर अमन जी, आलू खत्म हो जाएगा तो आपका प्यार भी खत्म हो जाएगा। अरे मेरी पगली, मजाक कर रहा हूँ, हमेशा करूँगा। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। शालू घर के सारे काम बड़ी बखूबी करती है। समय बीतता रहता है। ऐसे ही एक दिन शालू रसोई में रोटी बेल रही होती है कि तभी रसोई में एक चोर चुपके से आता है और शालू उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। शालू की आवाज सुनकर उसकी सास रसोई में आती है। शालू उस चोर को अपने बेलन से मार ही रही होती है कि वो बेलन उसके हाथ से फिसल कर उसकी सास ममता के सर पर लग जाता है। ममता वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर शालू बहुत घबरा जाती है और जोर से बेलन उठाकर चोर के सर पर मारती है, जिससे चोर भी वहीं बेहोश हो जाता है और वो बोलती है, चोर कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तेरी वजह से मेरी माँ जी को चोट लग गई। इस तरह शालू उस चोर को पुलिस के हवाले कर देती है, साथ ही अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अमन को फोन करके वहाँ बुलाती है। तभी डॉक्टर ममता के सारे टेस्ट और MRI करते हैं और दोनों को बताते हैं, मिस्टर अमन, आपकी मदर के सर पर कुछ बहुत ही हार्ड चीज तेजी से लगी है, जिस वजह से उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और शायद ही वो अब आपको पहचान पाए। डॉक्टर, हम माँ जी से कब मिल सकते हैं? अभी थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल लेना। ओके डॉक्टर। इतने में अमन शालू से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी शालू उसे सारी सिचुएशन बताती है, जिसके बाद अमन बोलता है, व्हाट, इसका मतलब मेरी माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? अमन जी, सब जाने अनजाने में हो गया, आप जानते हैं ना, मैं माँ जी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों ममता से मिलने वार्ड में चले जाते हैं और वो दोनों को देखते ही ममता अपने बेटे को तो पहचान लेती है, मगर अपनी बहू को नहीं पहचान पाती। ये देखकर अमन को बहुत हैरानी होती है और वो डॉक्टर को सारी बात बताता है। देखिए अमन जी, आपकी मदर को आपकी शादी से पहले का सब याद है, पर शादी के बाद का नहीं, इसलिए शायद आपकी मदर शालू जी को नहीं पहचान पा रही है। डॉक्टर, मेरी माँ की याददाश्त वापस आने का कोई चांस है? मिस्टर अमन, फिलहाल बस उनका ख्याल रखिए आप। अमन जी, माँ जी मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही? जानती तो हो ही तुम सब, फिर भी। वो दोनों ममता को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसे वक्त वक्त पर खाना खिलाते हैं। तभी ममता बोलती है, अमन बेटा, ये लड़की कौन है और हमारे घर में इतने दिन से क्यों रह रही है? जैसे ही अमन अपनी माँ को सच बताने जाता है, अचानक से शालू बोलती है, जी माँ जी, मैं आपकी केयर टेकर हूँ, आपका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। अच्छा, अरे बहुत प्यारी बच्ची है तू, कितना ध्यान रखती है मेरा, काश तू मेरी बहू होती। कुछ कहा माँ जी आपने? अरे नहीं नहीं बेटा। ये सब सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ अमन आकर उसे कहता है, देखा, मेरी माँ तुम्हें अनजान समझने के बाद भी कितना प्यार करती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। ममता की तबीयत तो ठीक हो जाती है, पर अब भी उसकी यादें वापस नहीं आती।
ऐसे ही एक दिन ममता शालू के साथ अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई होती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और ममता गिरकर फिर से बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और ममता का चेकअप एक बार दोबारा करते हैं। साथ ही कुछ देर बाद वो बोलते हैं, शालू जी अभी आप उनके होश में आने का वेट कीजिए। तभी नर्स बाहर आती है और शालू को बताती है कि उसकी सास को होश आ गया है, जिसके बाद शालू अपनी सास से मिलने जाती है। मामा जी आप ठीक तो है ना? अरे बहू तू इतना घबरा क्यों रही है? और तूने उस चोर को मारा क्या जो घर में घुस आया था? क्या माँ जी आपने मुझे क्या बोला, फिर से कहिए ना। अरे बहू क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। माँ जी मेरी वजह से आपकी याददाश्त चली गई थी, मुझे माफ कर दीजिए और अभी आप रेस्ट कर लीजिए। शालू ये खुशखबरी अमन को फोन पर बताती है और अमन सीधा हॉस्पिटल आ जाता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर से बात करते हैं और ममता को वापस घर ले जाते हैं। शालू ममता का फिर से ख्याल रखती है और बेलन से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपनी सास को खिलाती है और खुशी खुशी वो सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये बेलन वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे रोटियां बनाने का और बेलन से मारपीट करने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।